और दोस्तों आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं री एवेल्यूएशन के रिजल्ट के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने री एवेल्यूएशन का फॉर्म भरा है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका री एवेल्यूएशन का रिजल्ट कब आने वाला है। इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी इग्नू से रिलेटेड मेरी नई वीडियो आती है तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले आप इसकी जानकारी दे पाएँ। री एवेल्यूएशन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ होता क्या है। अगर आपका जैसा कि आप जानते हैं कि आपका रिज़ल्ट आया, दिसंबर का रिज़ल्ट आया, उसमें अगर आपके नंबर कम आए और आपको लगता है कि आपके मार्क्स की गलत चेकिंग हुई और आपके ज़्यादा नंबर आने चाहिए थे तो फिर आप री एवेल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं और इग्नू की अथॉरिटीज़ जो हैं, इग्नू का मैनेजमेंट जो है, उनसे कह सकते हैं कि आप एक बार फिर से मेरा एग्ज़ाम जो है वो चेक कर लीजिए, पेपर जो है वो चेक कर लीजिए। तो उसको ही री एवेल्यूएशन कहा जाता है। तो जिस दिन एग्ज़ाम की रिलीज़ हुआ था उसके बाद आप तो जैसे कि आप जानते हैं कि उसके कुछ दिन के अंदर आप अपना री एवेल्यूएशन का फॉर्म जो होता है वो भर सकते हैं। तो रिज़ल्ट जो होता है, जो कि मेन बात है कि रिज़ल्ट कब आएगा, तो उसके 2 मंथ के अंदर आ जाता है रिज़ल्ट। यानी कि आप देखेंगे कि ये मार्च चल रहा है इसमें, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका रिज़ल्ट जो है वो उसकी फर्स्ट अपडेट आ जाएगी। तो री एवेल्यूएशन की फ़र्स्ट अपडेट जो होगी वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगी। हो सकता है उससे 1 या 2 दिन पहले भी मिल जाए, लेकिन अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको पहली अपडेट निश्चित तौर पर री एवेल्यूएशन की मिल जाएगी। उसके बाद ये रिज़ल्ट भी उसी तरह से होता है जिस तरह से टर्म एंड रिज़ल्ट होता है, यानी कि इसकी भी अपडेट्स होती हैं, 4 अपडेट्स 5 अपडेट्स 6 7 अपडेट्स, मतलब अपडेट्स में रिज़ल्ट जो है वो आता है। ठीक, तो इसकी भी रिजल्ट्स की अपडेट्स होती है, लेकिन पहली अपडेट आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में निश्चित तौर पर मिल जाएगी। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी री एवेल्यूएशन का रिज़ल्ट आ जाएगा। जो ये जानकारी हम इस वीडियो में इसमें मैंने दी, दिसंबर एग्ज़ाम जो कि अभी कंडक्ट हुआ था दिसंबर 2018 में, उसका रिज़ल्ट आया। पहली अपडेट जो आई उसकी रिज़ल्ट की वो आई 15 फरवरी 2019। तो अब हम री एवेल्यूएशन के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। जिन जिन बच्चों ने री एवेल्यूएशन का फॉर्म भरा, तो री एवेल्यूएशन की पहली अपडेट अप्रैल 2019 के फर्स्ट वीक में निश्चित तौर पर आपको पहली अपडेट देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी इग्नू के स्टूडेंट्स के बीच में शेयर भी वीडियो को ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।